बिहार में भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बहेरी प्रखंड के अठहर दक्षिणी पंचायत का है, जहां भ्रष्टाचारी खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां के मुखिया 10 साल से पंचायत पद पर बने हुए हैं, पर यहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, न ही किसी भी सड़कों का निर्माण हुआ और न ही नल जल योजना में पानी आ रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुलेआम बिजोलिया 15 से 20 हजार रुपए की मांग करते हैं। यहां पर स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर है, पर वहां पर अब तक किसी भी डॉक्टर की बहाली नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहें तो यहां पर विकास के नाम पर शून्य कार्य हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वे लोग 21वीं सदी में रहते हुए भी 18वीं सदी में रहने को मजबूर हैं। किछ नहीं देला, किछ नहीं विकास भेल, रास्ता पेरा 4 महीना छे पानी में ठा अति गोतल छी, रास्ता नहीं देने है। एक बेर गौवा घरवा की मुखिया सरपंच की कोई हाकिम महाजन क्यों नहीं गेल देखे ला घूर का, कोई नहीं आया क्यों नहीं? उनको फोन उनकी है, बात उनकी है। हाँ, होगा 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 होगा। कब होगा? 5 साल क्या होगा सताब जानेगा ना। कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास है यहाँ। बाबा, पूरे देश में 75 साल आजादी के हुए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े तौर पे। गैन मर भैया, रोड नहीं बना है, कुछ नहीं देखते नहीं है। अच्छा बाबा, आपका उम्र कितना है? 73 वर्ष है। आजादी के 75 साल हो गए हैं। पूरे देश में साइकिल रैली निकल रही है और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके पंचायत में क्या है? कुछ नहीं देखते आप, देखिए 10 किलोमीटर कहीं कुछ है। ये अठहर दक्षिणी पंचायत है। कुल कितने गांव इसमें होंगे? इस गांव में इसमें आपको 16 वार्ड है। गांव सब मिला के 9 गांव है। 9 गांव ये बता समझाइए मुझे, 16 वार्ड है, 2 पंचायत समिति यहाँ से होंगे, 2 पंचायत समिति, 1 मुखिया जी होंगे, प्रधान, प्रधान के प्रधानी में कितना होगा विकास? जी, हम लोगों के जो भूतपूर्व प्रधान थे, सरपंच जिनको बोलते हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सरपंच की बात नहीं करें, हम विकास की बात करें। विकास प्रधान कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है विकास। स्वतंत्रता के बाद आज तक इस गांव में हम लोग क्या, मेरे पिताजी भी रोड बनते हुए नहीं देखे, तो हम क्या, मेरा तो उम्र 27 साल है, मेरे पिताजी भी आज तक रोड बनते नहीं देखे हैं आज तक इनका शादी। लेकिन हमने सुना है 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7 साल में काम हुआ है। तो वो तो आप रिपोर्टिंग देखिए, आप मेरे साथ चलिए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, बोल नहीं क्या, आपको हम जमीन ही दिखाते हैं जो क्या विकास हुआ है। आप भी आए हैं तो रास्ते में आप भी देखेंगे कि मेरे गांव में क्या विकास हुआ। नहीं नहीं, जब मैं आपके गांव के कुछ ही हिस्से को देखा हूँ, जहाँ आने के बाद लगता है कि दोबारा कल्पना नहीं किया सकती आने। ये जी सर, अगर मेरे गांव में कोई ऑटो वाले, हम लोग दरभंगा से अगर कोई पैसेंजर आते हैं बाहर से, वो अगर रिजर्व करके आ जाते हैं, तो दोबारा अगर उस ऑटो वाले को बोला जाए कि बगोल चलना है, तो पहले कहता भैया अब हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये समझाइए हमें, 7 साल सबका साथ सबका विकास, तो सरकारें चाहे जो भी हो, ये जो पंचायत है आपका, इसका विकास संभव है या नहीं? सर देखिए, हम लोगों ने, हम पिछले 2-5 वर्ष से भी हम वोट गिराए, इस बार हम लोग अकच्छ गए हैं, इस बार हम लोग को बदलाव की जरूरत है, जो था हम लोग उसे संतुष्ट नहीं है। हम लोग इस बार नवयुवक चेहरा को वोट बनाएंगे, हम लोग हैं, हम लोग खड़ा करने की हम लोग कोशिश में है, हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि देखिए जो है बूढ़े वो अपने हिसाब से चलते हैं, और ना हम लोगों का कोई प्रतिनिधि सुनता है, ना मुखिया, वार्ड से लेके आप मुखिया से लेके जिला परिषद तक कुछ नहीं। ये जो आप अभी रोड रोड़ा दिखते हैं गिरते हुए, ये अभी चुनाव के कारण गिर रहा है, इलेक्शन के बाद ये भी नहीं होगा। आप मुख्य मार्ग की बात कर रहे थे, मुख्य मार्ग जो आता है विधायक सांसद के तरह, हम बात करते हैं पिछले टर्म से कौन विधायक थे, किस पार्टी से थे? हम लोग के पिछले टर्म के विधायक जो थे वो जदयू के थे, अमरनाथ का। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। इस बार जो है सो भाजपा के हैं, रामचंद्र प्रसाद सिधौली गांव के हैं, समझे, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। उनको हम लोगों ने बाढ़ के समय में, एक बार हम लोगों के गांव में 1 महीना पहले बाढ़ आई है, हमने उनको फोन किया, मेरे गाँव से कुछ फोन किए, तो फोन उठा के बोलते हैं कि हम क्या करें,
जब मेरे गांव में नदी से पानी आने लगा तो उनको फोन किया कि विधायक साहब मेरे गांव में बाढ़ के पानी घुस रहा है, आप इसका तटबंध का मरम्मत का व्यवस्था करवाइए। बोले हम क्या करें। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में मुखिया से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और बेनिकॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।